काल भैरव जय माँ काली। तो आज का टॉपिक है अकल बड़ी या भैंस। ओके, सो आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर टेकिंग हिंदी मुहावरा, ठीक है। तो उसके बारे में रीडिंग करनी है एंड हमारे सामने हैं दो ऑब्जेक्ट्स, टैरो एंड द ट्विन फ्लेम ओरेकल। ओके, तो अकल बड़ी या भैंस में तो कई बार हम दिखावे पे जाते हैं, यू नो, एंड जो एक्चुअल बात है उसको भूल जाते हैं। ओके, सो अकल बड़ी या भैंस, इसको हमें समझना होता है। जैसे कि एक शो है अकबर बिरबल का, आई थिंक वो पुराना हो गया है लेकिन आई थिंक सब टीवी पे आता था। तो उसमें आई थिंक ये कहा गया था अकल बड़ी या भैंस, तो उनको एक रस्सी दी जाती है और रस्सी के सहारे आप क्या कर सकते हैं। तो बिरबल रस्सी के सहारे एक धन की पोटली लेके आते हैं और इससे साबित होता है कि अकल बड़ी होती है, यू नो। सो सिमिलरली अगर हम बात करते हैं आपके लाइफ की, तो कहीं पर यू नो जो पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हैं या फिर ऐसे कुछ लोग जिनसे आपको तकलीफ़ हो रही है, यू नो, शायद वो दिखावे पे जा रहे हैं। तो क्या ऐसे पर्सन को कंसिडर करना चाहिए, क्या ऐसे पर्सन को तवज्जो देना चाहिए, फिर किस तरह से आप इनको टैकल कर सकते हैं, देखते हैं इस रीडिंग में। देखो, चलो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग एंड हम निकालते हैं कुछ कार्ड्स, ठीक है। पांच कार्ड चुनेंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4 एंड फाइनल 5, ठीक। तो पांच कार्ड आ चुके हैं, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, पहला जो कार्ड है वो है डेथ। वाओ, पहला कार्ड डेथ आ गया। ओके, तो इसका सिंपल मीनिंग है कि इस रिश्ते में या फिर जिन लोगों से आप डील कर रहे हैं उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। मतलब कि आप इन लोगों को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हो और अभी आपके लिए जो सही बात है वो है अपने आप में बदलाव करना। देखो, ये डेथ कार्ड स्ट्रेट आ गया है, रिवर्स नहीं है, तो सही बदलाव होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है कि आप इस पर्सन को काफ़ी मायने, मतलब इस पर्सन को काफ़ी अंडरस्टैंड करते हो, आपके हिसाब से ये पर्सन जो भी चाहता है या जो भी सोचता है आपके हिसाब से ये आपके ऊपर प्रभाव डालता है, यू नो। सो डेथ कार्ड तब आता है जब हमें अपने आप में बदलाव करने की ज़रूरत होती है। ओके, अब देखो, कई बार कई लोग हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और हमें लगता है कि एक्सपेक्टेशन किस तरह की हो सकती हैं, यू नो, वो हो सकते हैं लियो या फिर कैप्रिकॉन या फिर पाइसिस, टॉरस, एरीज एंड वर्गो, यू नो, ऐसे कुछ लोग हैं जो बार बार एक्सपेक्ट करते हैं। कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यू आर गोइंग टू बी ऑसम। ओके, अब मोस्टली फॉर एग्जांपल वर्गो है, टॉरस है, तो कहते हैं कि आप खुद ऑसम रहोगे, और बाकी के कुछ साइंस है वो चाहते हैं कि आप में जैसा वो चाहते हैं वैसे बदलाव हो, यू नो। तो अभी डेथ जो कार्ड आ गया है वो आ गया है कि आप खुद ट्रांसफॉर्म हो जाइए, यू नो, नॉट बिकॉज दे वांटेड टू डू सो बट बिकॉज यू आर थिंकिंग मोर अबाउट देम। ओके, देखो, किसी की बात सुनना और उसके हिसाब से खुद को बदलना ये कहीं कहीं ठीक लग सकता है, लेकिन इससे आप ज़िंदगी का मायना नहीं समझ सकते, यू नो। जब तक आप खुद अनुभव नहीं करेंगे आपको यकीन नहीं होगा कि ज़िंदगी क्या है, यू नो। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जिस तरह से लग रहा है वैसे बदलाव आप खुद आइए, ठीक है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुद बदलाव लाते हैं तो आपकी ज़िंदगी डेफिनेटली बहुत पावरफुल बन सकती है, यू नो। सो समवेयर अगर वो आप में बदलाव चाहते हैं तो इससे अच्छा है आप खुद ही बदलाव करें, यू नो। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है पेज ऑफ वांड्स। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बात आती है कि मे बी आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और ये पर्सन जो है वो शायद आपको एटीट्यूड दिखा रहा है। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है, मोस्टली वो पर्सन हो सकता है जेमिनी, टॉरस, लीब्रा, एरीज, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये जो पर्सन होते हैं मोस्टली एटीट्यूड दिखाते हैं,
यू नो उनको लगता है कि यस दे आर डैम गुड डैम फ्लर्टिशियस और उनके जैसा दुनिया में कोई नहीं है. अब देखो ये मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी ऐसी बात होती है तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने आप के ऊपर विश्वास करें. यू नो देखो आपको पसंद है बिकॉज कहीं ना कहीं आप में वो सब बातें हैं जो उनको भी रिझाती हैं. यू नो जैसे कि हम मैग्नेट की बात करते हैं, मैग्नेट सिर्फ लोहे को ही खींचता है. यू नो अगर आप मैग्नेट को पीतल के पास लेके जाएंगे या फिर लकड़ी के पास तो वो नहीं खींचेगा. व्हाई? बिकॉज उसमें प्रॉपर्टी नहीं है. सिमिलरली यहाँ पे जो हम बात करते हैं रिगार्डिंग योर लव, यू नो रिगार्डिंग योर पैशन, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि उनके कारण आप उनकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं. इट मीन्स कि आप ही नहीं बल्कि 8-10 और आ सकते हैं. क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल नहीं. ये बस उनका ख्याली पुलाव है, तो इनके ख्याली पुलाव को तोड़ना ही इम्पॉर्टेंट होगा. ओके नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है 9 of Wands. वाह व्हाट अ कार्ड, रिवर्स आ गया है. सिंपल मीनिंग है यहाँ पे, कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन की जो बातें हैं उनको झुठलाना पड़ेगा. यू नो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे काफ़ी डिमांडिंग है, आपसे काफ़ी डिमांड करता है और आपको इशारों पे नचाना चाहता है. यू नो एंड द पर्सन फील्स कि भैंस ही सबसे बड़ी होती है. ओके तो आपको अपनी अकल लगाने की ज़रूरत है. यू नो कई बार अगर आप खुद का एटीट्यूड दिखाते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इफ़ यू शो योर एटीट्यूड देन सामने वाले इंसान को आपकी कीमत पता चलती है. यू नो और यही सही बात होती है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि झटका लगना चाहिए. ठीक है, अगर झटका लगेगा तो ही पर्सन को समझ में आएगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ. 9 of Wands रिवर्स आ गया, कहीं ना कहीं पे देरी यहाँ पे होने के चांसेस हो रहे हैं. सो मे बी अगर ये आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप इनको कुछ देर लगाते हो तो ये पर्सन डेफिनेटली इसके ऊपर ज़्यादा सोचेंगे एंड लाइन पे आएंगे. ठीक है, देखो ये है पेज ऑफ कप्स. सिंपल मीनिंग है, ये पर्सन खुद ब खुद आपकी तरफ चला आ जाएगा. यू नो ये कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है. अब ये क्यों है? क्योंकि देखो इस पर्सन को फाइनली अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि आपको अगर गवाया तो उसके हाथ में कुछ नहीं होगा. एक्चुअली ऐसे कपल होते हैं जो यू नो जिनमें से कोई कहता है कि बस मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत फ्लर्टिशियस हूँ, यू नो मेरे जैसा कोई नहीं, लेकिन फिर जब उसको पता चलता है कि भाई नहीं मेरे हाथ से तो गोल्डन मोमेंट जा रहा है, फिर उसको अपनी औकात पता चलती है. और ये है एस ऑफ पेंटिकल्स. तो ये पर्सन बिल्कुल भी लाइन पे आ रहा है और चीज़ें वापस से रीयूनाइट होने वाली है, बहुत ही शानदार होने वाली है. बट उसके लिए आपको इस पर्सन की अकल जो है उसको ठिकाने लगाने की ज़रूरत है. यू नो सो मे बी उसके अकल को थोड़ी सी क्या उसे कहते हैं, कनेक्ट कीजिए, थोड़ा सा टीज कीजिए उसके अकल को. ओके 5 वाट का चार्ज लगा दीजिए उसको और ये पर्सन वापस से अपने आप में आ जाएगा. ठीक, अब देखते हैं ट्विन फ्लेम ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है. यहाँ से भी हम 5 कार्ड निकालेंगे. ठीक है, चलो देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड. ठीक है, 3 कार्ड आ गए, अब 2 कार्ड निकालते हैं और फोर्थ एंड द फिफ्थ वन. ठीक है, टोटल 5 कार्ड आ चुके हैं, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है. ओके देखो पहला जो कार्ड है वो है एनहांसमेंट. ओके इसका सिंपल मीनिंग है बदलाव. ये पर्सन आप में बदलाव एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन आपको खुद बदलाव करने की ज़रूरत है. जैसे कि यहाँ पे पहला कार्ड आ गया था, यू नीड टू चेंज योर सेल्फ जस्ट लाइक डेथ. आपके जीवन में बदलाव की श्रृंखला शुरू होनी चाहिए, इसलिए नहीं कि वो चाहते हैं, इसलिए क्योंकि आप हो ही बहुत चार्मिंग. यू नो जैसे कि मान लीजिए आपने कोई ट्रेडिशनल ड्रेस पहना और आपने कोई वेस्टर्न ड्रेस अभी तक ट्राई नहीं किया, लेकिन अगर आपने वो पहना और अगर आपको सूट करता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? यू नो सो किसी को अगर दिखाना है कि आप कितने पावरफुल हो, कितने ब्यूटीफुल हो, सो व्हाट व्हाट अ प्रॉब्लम? यू नो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती. सो इसलिए अगर आप खुद में बदलाव करते हैं ये उनके लिए काफ़ी सही होगा. मे बी द पर्सन कैन फील जेलस अगर आप अपने फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे प्राइवेटली ही जिससे आपकी कॉन्टैक्ट देखते अगर ऐसे अपलोड करते हैं तो ये पर्सन भी इससे काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं. ठीक है, सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे वो है मैसेज अंडरस्टूड. तो समवेयर इस पर्सन को आपका मैसेज अंडरस्टूड हो ही जाएगा कि दुनिया में वही अकेले सयाने नहीं हैं, आप उनसे दुगने सयाने हो. यू नो सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखो अगर कोई एक है तो उसे 2 मतलब 1+1 मिलना ही चाहिए. ओके इट्स नॉट अबाउट द फोन, इट्स ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग. देखो अगर ये आपसे कुछ करवाना चाहते हैं तो इस पर्सन को ये जता देना कि भाई यू आर माय लवर, यू आर नॉट माय परचेसर. ये बात उनको समझानी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है.
थर्ड जो कार्ड यहाँ पे वो है मेडिटेशन। ये कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं, कहीं ना कहीं पे रिश्ते में थोड़ी सी शांति बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो, अगर आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं थोड़ी सी खलबली मची हुई है तो इसको थोड़ी सी शांत करना और सही जगह पे लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो, ताकि क्या हो जाएगा कि सब लोग शांत हो जाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको लग रहा है कि थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है या फिर ये पर्सन ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, तो थोड़ी सी शांति या फिर थोड़ी देर की चुप्पी इस पर्सन को सही जगह पर ला सकती है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो नीड टू सेट फ्री। एंड फाइनल जो कार्ड है वो है लोनलीनेस। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये दो बातें यहाँ पे हो सकती हैं। अगर इस पर्सन ने आपसे नाता थोड़ा सा ही सही, अगर आपसे यू नो वो अगर रूठ चुके हैं या फिर आपको अकेला छोड़ दिया है, तो इसका एक सिंपल मीनिंग है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को इसका एहसास नहीं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। यू नो, लोनलीनेस से वो पर्सन भी अभी गुजरेंगे, लेकिन वो कब गुजरेंगे, जब आप उन्हें बता दोगे कि आपको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादातर क्या होता है ना कि जो बहुत प्यार में होते हैं वो धोखा खाते हैं, क्योंकि वो दूसरों के आँखों को देखते ही नहीं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, अकल बड़ी नहीं होती, भैंस बड़ी होती है। तो उन्हें क्या लगता है, जो भी वो कहते हैं मैं वो करूँगा या फिर मैं वो करूँगी, और उनके जाल में फंस जाते हैं। ये उतना ही घटिया है जैसे कि फेसबुक पे आपको कोई रिक्वेस्ट आती है कि मैं अकेला हूँ अकेली हूँ एंड आई नीड सम मनी टू कम टूवर्ड्स यू, और पैसे भेजते हैं और फिर कुछ अलग ही हो जाता है। यू नो, सो इंस्टेड ऑफ दैट वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल वो हियर, कि इस पर्सन ने अगर आपसे बातें करना बंद कर दिया है, आप अभी ऐसा चाहिए कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लोनलीनेस अगर आप सफ़र कर रहे हो, लेट देम सफ़र, लेकिन वो कब सफ़र करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए एप्पल का फ़ोन है और आप एप्पल का फ़ोन यूज़ नहीं करते, तो उस फ़ोन की कीमत कम हो गई या बढ़ गई, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही अगर आपने एप्पल का फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट किया तो आपको फ़र्क पड़ेगा। तो वही है, आपको इस पर्सन को जताना होगा कि इसके सिवाय भी आप खुश हैं। सो शो योर टैलेंट, आप किस खूबसूरत से कपड़े पहन सकते हैं, ट्राई डिफरेंट ड्रेसेस। यू नो, आजकल बहुत कम दामों में अच्छे अच्छे ड्रेसेस मिलते हैं, सो जस्ट ट्राई इट, वेयर इट, अपलोड द फोटोज एंड लाइकवाइज शेयर योर, एटलीस्ट अगर ये नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपनी मुस्कान शेयर कीजिए। यू नो, ताकि इस पर्सन को पता चले कि भाई आपकी ज़िंदगी बहुत अहमियत रखती है। ठीक है, देखो ज़िंदगी में लोग आते जाते रहते हैं, और चाहे आप किसी से कितना भी प्यार करें, उस पर्सन को कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन आपसे जुदा होना ही पड़ेगा, काम करने के लिए, बैंक में जाने के लिए, हेल्थ वर्कआउट करने के लिए। यू नो, सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि इस पर्सन को भी ये समझा जाए कि लाइफ में ट्विस्ट होते हैं। ये था रीडिंग, आप एट 2008। थैंक यू।